अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ खान एनसीपी मोटर्स यूसुफ आगा। आज आप लोगों के लिए मैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई गाड़ी के साथ आया हूँ। तो दोस्तों, आज की गाड़ी का डिटेल बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिले जो डेली बेसिस में अपलोड करता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज की गाड़ी का मैं एक मॉडल और वेरियंट बताता हुआ चलूँ। तो आज की गाड़ी जो है वो है सिंगापुर मैनुफेक्चर है, होंडा कंपनी की है, रिबोन है, 2008 मॉडल, जिसमें 1600 cc इंजन है। तो दोस्तों, आप लोग ये बोलोगे कि होंडा जो है वो तो जापान की मैनुफेक्चर, तो कैसे सिंगापुर की मैन्युफैक्चर आ गई? तो दोस्तों, होंडा रिबोन में जो है, होंडा रिबोन में सिंगापुरी भी आती है और जैपनीज भी आती है, और इसी तरह जो सुजुकी कंपनी की स्विफ्ट आती है उसमें भी जो है वो तकरीबन सेम इसके जो जो सिम्टम्स है वो सेम आते हैं, तो उसमें भी सिंगापुरी भी आती है और जैपनीज भी आती है। जैसे कि होंडा सिविक आप लोगों को मैंने बताया, तो होंडा सिविक में भी सिंगापुरी आती है, जैपनीज आती है, और इसी तरह जैसे कि सैलून हो गई, अल्टस हो गई, रिवो हो गई, विगो होगी, उसमें फिर कौन सी है, उसमें थाईलैंडी आती है, थाईलैंडी, जैसे थाईलैंडी विगो होगी, थाईलैंडी रिवो होगी, थाईलैंडी जो अल्टस वगैरह वो थाईलैंडी आती है, पर वो जापानीज बहुत कम आती है, उसमें सिंगापुरी आती है, सैलून वगैरह में सिंगापुरी भी आती है और थाईलैंडी भी आती है, जापानीज में बहुत कम आती है लेकिन आती है। तो आज की गाड़ी जो है वो सिंगापुरी है, 1600 cc है, रिबोन 2008 मॉडल है, गोल्डन कलर है, प्योर गोल्डन कलर है, टोटल गाड़ी में 3 पीस टचअप है, बाकी टोटल गाड़ी जो अपने कंडीशन में है, टोटल जीनियन कंडीशन में गाड़ी में कोई इसकी तीन पीस के अलावा इसमें कोई शावर नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई पुटिंग नहीं है। तो दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को ये जो सिंगापुरी होती है उसकी मैं चीजें, खास चीजें आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले सिंगापुरी की जो रिबोन आती है उसमें 1600 cc इंजन आती है, और जो कि जैपनीज जो आती है, जैपनीज रिबोन जो आती है उसमें 1800 cc आती है, और जो सिंगापुरी जो है जिसकी उसमें 1600 cc उसमें इंजन आती है, उसकी जो सीट्स आती है वो लेदर की आती है, जिसकी आप देख रहे हैं ये लेदर की सीट्स है, इसकी जो है लेदर की सीट है, और इसकी जो प्रेम नंबर है वो प्रेम नंबर के जो नंबर है वो दूर दूर लिखी हुई, उसने ज्यादा फासला पकड़ा होता है, और लेकिन जो इसमें जो जैपनीज आ जाती है, जैसे कि मिसाल जैपनीज इसमें रिबोन आ जाती है, या स्विफ्ट, जैसे कि स्विफ्ट में भी सेम टू सेम यही चीज आती है। तो जैपनीज में क्या आता है, जैपनीज में इसमें 1600 cc इसमें इंजन आ जाती है, रिबोन में जो है 1800 cc इंजन आ जाती है, और इसके जो सीट्स आती है वो कपड़े की सीट्स आती है, और इसके जो फ्रेम नंबर है वो करीब करीब आ जाते हैं। तो उसमें जो है ना, सिंगापुरी में जो है 1600 इंजन आती है, और जैपनीज में जो है 1800 आती है, और सिंगापुरी में सीट जो है, जिस अगर गाड़ी के सीट लेदर के थे तो समझ लो कि ये गाड़ी सिंगापुरी है, ये जापानी नहीं है, चाहे रिबोन हो, चाहे सिविक हो, स्विफ्ट हो, और अगर इसी तरह अगर रिबोन में 1600 cc इंजन थी कोई बोल रहा था ये जैपनीज है, बिल्कुल वो जैपनीज नहीं हो सकती, वो जो है सिंगापुरी, जैपनीज में 1800 cc आती है, 1600 नहीं आती है। तो आज की गाड़ी जो है वो टोटली गोल्डन कलर है, उसमें 3 पीस टचअप है। गाड़ी का आप लोगों को मैं प्राइस बताता हुआ चलो, गाड़ी ये दोस्तों, ये गाड़ी जो ये ओरिजिनल अगर ये गाड़ी होती तो इस गाड़ी का प्राइस होता 20 से 25 लाख के दरमियान इसका प्राइस होता, लेकिन ये गाड़ी आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए में जो क्वेटा शहर में खड़ी है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत गाड़ी है, टोटल गाड़ी में 1 रुपया का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो फ्रंट का बंपर है वो आपको वीडियो में दिख जाएगा, फ्रंट का बंपर है, वहां पे एक स्क्रू चाहिए, इसके अलावा बाकी गाड़ी में 1 रुपया का काम नहीं है, टोटल प्योर कंडीशन में, अपनी जेन्युइन कंडीशन में 3 पीसेस में शावर है, बाकी टोटल गाड़ी में शावर नहीं है, प्योर गोल्डन कलर है। इंटीरियर के वाले से आप लोगों को बताता हुआ चलो, इसका इंटीरियर जो है वो टोटली ब्लैक और येलो कलर का है, ब्लैक और येलो कलर का, जैसे कि अब इसका सीट्स आप देख रहे हैं, इसका रूफ देख रहे हैं, और इसी की इसके तरह दरवाजे के जो ये नीचे वाले इसे आप देख रहे हैं, ये टोटल जो है ये येलो कलर का है, इसी तरह इसके डैशबोर्ड का भी जो निचला हिस्सा है वो येलो कलर का है, लेकिन इसका डैशबोर्ड का जो ऊपर का हिस्सा है वो गोल्ड, वो ब्लैक कलर का है, दरवाजों का ये हिस्सा जो ये ब्लैक कलर का है, इसके जो स्टीयरिंग है वो ब्लैक कलर का है, जहाँ पे ये इसके विंडो कंट्रोल के बटन है वो जगह जो है ब्लैक कलर के, इसके जहाँ पे हम लोग पैर रखते हैं ये पायदान वगैरह जो है ये टोटली ब्लैक कलर का कारपेट और प्लास्टिक इसमें यूज हुआ है, चाहे पीछे के हो चाहे फ्रंट के हो, और इस तरह जो इसका गियर का जो हिस्सा है, गियर के कवर वगैरह है वो ब्लैक कलर के, वो आपको वीडियो में आप देख रहे हैं टोटली जो है वो ब्लैक कलर के। बाकी गाड़ी में जो है जबरदस्त इसमें LCD लगी हुई है, एंड्रॉइड की LCD लगी हुई है, डबल मीटर गाड़ी है, रिबोन जो है रिबोन डबल मीटर है, डबल मीटर कैसे, इसमें एक डिजिटल मीटर भी आ जाता है और एक सिंपल सादी मीटर भी आ जाती है, जो नीडल वाली मीटर भी आ जाती है, एक डिजिटल है और इसमें एक नीडल वाली मीटर है। तो इसका इंटीरियर भी आप लोगों को मैं दिखाता हुआ चलो, दोस्तों उम्मीद में आप लोगों को मैंने प्राइस बता दिया होगा, ये गाड़ी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपये में मिलेगी, क्वेटा शहर में खड़ी है, जिस भी बाइक को चाहिए था डिस्क्रिप्शन में भी उसको मेरा नंबर मिल जाएगा और नीचे भी उसको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो वहीं पर आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, A to Z मैं आपको वहीं पर समझा दूंगा कि डिलीवरी का क्या प्रोसीजर होता है, दोस्तों डिलीवरी का प्रोसीजर होता है, डिलीवरी का मैंने आप लोगों को जो है प्रोसीजर भी वहीं पे आपको मैं आप लोगों को मैं बता दूंगा, और इसकी जो जो पेमेंट का सिस्टम है, कि पेमेंट का क्या सिस्टम आया, एक चीज तो आप लोगों को मैं क्लियर करवा दूं, बताता हुआ चलो कि कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल नहीं है,
کیش آن ڈیلیوری بالکل نہیں ہے کوئی دوستو, یہ نہ آلو ہے نہ پیاز ہے کہ کیش آن ڈیلیوری ان گاڑیوں کی وجہ. یہ بھی جو بھی لوگ کہتے ہیں کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہے تو دوستو وہ لوگ ان لوگوں کے فیک اکاؤنٹ ہوتے ہیں. وہ لوگ کیش آن ڈیلیوری پہ آپ کو بولتے ہیں کہ یار 20,000-30,000 ٹوکن بھیجو, آپ کی گاڑی جو ہے نا یہاں سے نکل جائے گی, آپ لوگوں کو بس گاڑی 3-4 دن میں آپ لوگوں کو گاڑی آپ کو ہینڈ اوور کی جائے گی. تو دوستو ٹوکن پہ آپ لوگوں کو بالکل گاڑی سینڈ کی جائے گی. تو بغیر ٹوکن آپ دوستوں یہ چیز آپ لوگ کلیئر کرواتا ہوا چلو کہ جو لوگ ٹوکن لے کے گاڈی بیچتے ہیں یہ بالکل فیک نیوز ہے, فیک اکاؤنٹ ہے, فیک لوگ ہیں, وہ پیسے لے لیتے پھر نمبر بند کر لیتے. اور اسی طرح ساتھ ہی ساتھ جو ہے کیش آن ڈیلیوری بالکل نہیں ہے. جو پروسیجر ہے وہ آپ لوگ واٹس ایپ پہ آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر, وہیں پہ آپ لوگوں کو میں ڈیٹیل سے بتا دوں گا کیا سسٹم ہے ڈیلیوری کے, کیا سسٹم ہے اے ٹو زیڈ آپ لوگوں کو میں ادھر ہی سمجھا دوں گا. تو یہ رہی دوستوں آج کی گاڑی, آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری اور خوبصورت گاڑی ہے. اس کا جو اپنا اس کا جو سیٹ اس کے جو گرپ آتا ہے ہونڈا کی, ہونڈا جو بھی گاڑی ہوتی ہے کی جو سیٹ گرپ آتی ہے وہ بہت ہی بہترین ہوتی ہے, کیونکہ اس نے روڈ کو جگڑا ہوا ہوتا ہے, گاڑی کی گرپ بہت اچھی ہوتی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑی زبردست میں جو ہے ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے, ڈبل میٹر آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا یہ ڈبل میٹر ہے. اس میں یہ جو ہے نیڈل والی میٹر ہے اور وہ اوپر والا جو ہے وہ ڈیجیٹل میٹر ہے. لیدر سیٹس ہیں اور یہ اس کی چابی ہے جو کہ اس سائڈ پہ اس پہ اس کے بٹن آتے ہیں, یہ چابی اس کے لیدر سیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے یہ پلیس جو گاڑی کا یہ حصہ ہے وہ بلیک کلر کا ہے, باقی اور یہ جو اس کا جو اوپر والا حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پاکستان کا جھنڈا چھپا ہوا یہ بلیک کلر کا ہے, اور یہ بلیک کلر کے پائدان ہے وہ بھی بلیک کلر کے, چاہے اس سائڈ کے ہو چاہے پیچھے کے ہو. تو یہ گاڑی کی بہت ہی پیاری اور خوبصورت کنڈیشن ہے. بیک سیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل صاف ستھری گاڑی ہے. ٹوٹل گاڑی میں ایک روپیہ کا کام نہیں, آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا پوری گاڑی میں جو ہے صرف اور صرف 3 پیس ٹچ اپ ہے, اس ٹچ اپ کے علاوہ گاڑی میں کوئی کام ہے نہیں. تو یہ گاڑی آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا تھا, یہ گاڑی آپ لوگوں کو صرف اور صرف 7 لاکھ روپے میں ملے گی جو کوئٹہ شہر میں کھڑی ہے. تو یہ آٹومیٹک گیئر ہے, اس میں پاکستانی مینوفیکچر میں اس میں مینول بھی آئی ہے, لیکن جو جاپنیز اور سنگاپوری ہوتی ہے اس میں جو ہے مینول نہیں ہے, وہ آٹومیٹک ہے. اور یہ اس کے ٹوٹل اے سی کے جو بٹن ہے اور یہ اے سی کنٹرول, یہ ڈبل اس کا ڈبل انڈیکیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈبل انڈیکیٹر کا وہ بڑی زبردست ایل سی ڈی لگی ہوئی, بڑی بہترین اس کی جو اسپیکر سسٹم ہے بہت ہی بہترین. اے سی آن گاڑی ہے, ٹوٹل گاڑی میں کام نہیں ہے, 1600 cc ہے, پیٹرول انجن ہے. تو یہ گاڑی آپ لوگوں کو دوستوں صرف اور صرف یہ گاڑی آپ لوگوں کو جو ہے وہ ملے گی 7 لاکھ روپے میں, کوئٹہ شہر میں کھڑی ہے, نان کسٹم پیڈ ہے دوستوں یہ گاڑی جو ہے. تو دوستوں یہ گاڑی جو ہے یہ نان کسٹم پیڈ ہے, آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ یہ گاڑی نان کسٹم پیڈ ہے. ایک دو بندوں نے پہلے بھی مجھ سے پوچھا کہ یار آغا بھائی یہ گاڑی اوریجنل اس کے ڈاکومنٹس کے لیے رہے, تو آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوا چلو کہ یہ جو ہے نان کسٹم پیڈ اوریجنل نہیں ہے دوستوں. تو دوستوں گاڑی آپ لوگوں کو میں باہر سے بھی دکھاتا ہوا چلو.
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिले जो डेली बेसिस में अपलोड करता हूं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अपने भाई को इजाजत दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।